बिहार का वक्त है, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत, बड़ी खबर बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर। यह बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस को कम से कम 3 या 4 मंत्री पद मिलेंगे। कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली में हैं, सबका मन है मंत्री बनने का, लेकिन सब तो नहीं बनेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि अभी कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का यह कहना कि मंत्रिमंडल पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कई सारे सवाल जाहिर तौर पर खड़ी करती है। 15 अगस्त के बाद, हालांकि मुख्यमंत्री से जब सवाल पत्रकारों ने किया था कि कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो उन्होंने कहा था 15 अगस्त के बाद, बहुत जल्द कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस के मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सोनिया जी से भी मिले थे और हमारे प्रभारी जी को कल सम्माननीय लालू प्रसाद जी और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद हमसे अभी तक उनकी बातचीत नहीं हुई है। 12 बजे उनसे बात होगी, उसके बाद ही कुछ उसमें विस्तारपूर्वक बताया जा सकता। नेहा हमारी दिल्ली संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद, उनसे और जानकारी हम लेंगे इस खबर पर। नेहा, मदन मोहन झा का ये कहना कि मंत्री तो सभी बनना चाह रहे हैं, सब बनेंगे नहीं, और महत्वपूर्ण बात कल की जो डेवलपमेंट थी, उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात सोनिया गांधी से भी की थी, जाहिर तौर पर फाइनल काफी हद तक तो कर ही लिया होगा, तो ये असमंजस की स्थिति अभी कैसे बनी हुई है? देखिए, अभी महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव दिल्ली में है, वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली में है, कुछ देर में वो पटना के लिए रवाना होंगे, लालू यादव दिल्ली में है और कांग्रेस की प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है। संभवतः इस चीज को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। जिस तरीके से कल रात को भक्त अंदाज लालू यादव से मिलकर निकले हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन अभी सभी दलों की तरफ से यही कहना है कि 15 अगस्त एक बार जीत जाए, 15 अगस्त के कार्यक्रम खत्म हो जाए, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। जहां तक कांग्रेस की उम्मीद है रविंद्र, कांग्रेस को 4 मंत्री पद की उम्मीद जरूर है, लेकिन 4 इनको मिलता है या नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 3 ये माना जा रहा है कि कंफर्म कांग्रेस को मिलेगा। और जहां तक असमंजस की बात रही, तो कांग्रेस के अंदर खाने में ज्यादा असमंजस देखने को मिल रहा है, चाहे जाति समुदाय की बात हो, इसमें असमंजस आपको देखने को मिल रहा है कि या तो पिछड़ा को ज्यादा महत्व दिया जाए, या फिर सवर्ण को ज्यादा महत्व दिया जाए, या ओबीसी फैक्टर को ज्यादा महत्व दिया जाए। ये कांग्रेस के अंदर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन सही दावेदार होंगे मंत्री पद को, जो सरकार दे अपना प्रतिनिधित्व ज्यादा मजबूती से कर सकते हैं। अब कांग्रेस को अंतिम फैसला लेना है कि वो किन 3 नामों को आगे बढ़ाएंगे। रविंद्र, अब एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट तो नेहा ये भी है कि CPIML की भी आज बैठक होनी है, जिसने पहले कह दिया था कि हम बाहर से समर्थन देंगे, बिना शर्त समर्थन देंगे, हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज इसी बात को लेकर है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो या नहीं हो। अगर उनकी तरफ से फैसला आता है तो फिर तो और ही भी ज़्यादा दिक्कत मुख्यमंत्री जी को आएगी, जो कि विशेषाधिकार तो उन्हीं का है। बिल्कुल, देखिए ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होगा, मंत्री पद में किसको कितनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी में देखें, लेकिन ये हकीकत है कि लेफ्ट ने कहा था कि वो जरूर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि लेफ्ट भी हमारे साथ है और बेशक उनकी भी सरकार में दावेदारी बढ़ती है, और चाहे MLC चुनाव में आप देखें तो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया था, लेकिन लेफ्ट जरूर एक उम्मीदवार लेफ्ट की तरफ जरूर आएगा और उनके उम्मीदवार जरूर दूसरी बने थे, तो लेफ्ट को हमेशा तेजस्वी यादव ने स्पेस दिया है और इस बार ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल में भी लेफ्ट से स्पेस तेजस्वी यादव की तरफ से मिलेगा और उनके खाते में भी कम से कम 2 मंत्री पद जरूर जाने, ऐसे अंदर खाने से खबरें आ रही है और इसी चीज को लेकर। नेहा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका। फिलहाल लगातार जो दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है, तमाम बिहार के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है, मंत्रिमंडल को लेकर जो गहन मंथन हो रहा है उस पर नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और जिस चीज का हमने जिक्र किया उस खबर को जरा विस्तार से एक बार दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, जैसा हमने बताया कि CPIML की एक बैठक होने वाली है आज, जो कि इस वक्त चल रही है, जारी है ये बैठक। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने पर यह बैठक बुलाई गई है, पार्टी के केंद्रीय और राज्य कमेटी के सभी नेता इसमें शामिल हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने पर फैसला लिया जाएगा। पहले सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात हो रही थी, लेकिन अब समर्थन पर CPIML आज अंतिम फैसला लेगी कि वो सरकार में शामिल होंगे कि नहीं होंगे।